बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक यूट्यूबर हसन चैन व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। तो आज है जुमे का दिन। आप सबको पहले से मेरे तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। और आज है हमारे लिए बहुत ख़ास दिन। आज हम आपके साथ अपनी खुशी शेयर करेंगे, चूँकि आज खुशी का दिन है हमारे लिए बहुत बड़ा। आज है हमारे प्यारे बेटे हसन साहब की बर्थडे, जो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि हम इसकी सेलिब्रिटी कर रहे हैं आज। और हसन के बाबा जाने सजा रहे हैं, हसन के साथ उसकी थोड़ी डेकोरेट कर रहे हैं, लाइट वगैरह लगा रहे हैं। चूँकि हसन साहब गए हुए थे सुबह स्कूल, फिर पारा पढ़ने, एकेडमी नहीं गए, चूँकि हसन के बाबा जाने को थी छुट्टी। और तो हसन को ने भी एकेडमी से छुट्टी कर ली। और हसन के पापा कह रहे हैं अब हम करेंगे हसन की छोटी सी पार्टी, पहले रूम को डेकोरेट थोड़ा सा कर ले बच्चे को खुश करने के लिए। और इसको भी बताया था कि जानी आपकी बर्थडे है, तो ये कह रहा था चलो मम्मा करो करो। तो अब ये हमने सजा दिया है, थोड़ी सी डेकोरेट कर दी है। इधर हसन हुसैन को कैप बनाई जा रही है। इसके बाद हम जाएंगे बाज़ार, यानी कि बेकरी पे, हसन की फेवरेट ही चीज़ें लेने। और अपने लिए नहीं, सिर्फ हसन के लिए, जो हसन कहेगा हम वही लेके आएंगे, जो जो इसकी पसंद की चीज़ होगी, केक कहेगा, जो भी ये खाएगा हम वही लेके देंगे, क्योंकि ये बहुत कम चीज़ें खाता है, इतनी हास नहीं खाता। तो हमारा ये छोटा सा डेकोरेट हो चुका है, एक लाइट लगाई और थोड़े से बलून्स लगाए हैं, बाकी बलून्स हम लगाएंगे आकर। और इधर हसन साहब अपनी चीज़ें समेट रहे हैं। अब हम जाएंगे बेकरी पर। हसन के पापा इधर बैठ गए थोड़ी देर आराम करने के लिए, चूँकि आप हैं हमारी सबसे प्यारी यूट्यूब फैमिली। हम अपनी छोटी से छोटी भी खुशी आपके साथ शेयर करते हैं, और ये भी हमारी छोटी सी पार्टी जो हसन के लिए है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले अब हम निकलते हैं बेकरी को। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा जो है हसन अख्तर साहब, और ये हो गया है माशाल्लाह 5 साल का, 5वें साल में लग गया है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कदम कदम पे नेकी करने की तौफीक दे और एक नेक इंसान और अच्छा इंसान बनाए। और इसके लिए दुआओं ढेर सारी दुआएं और खुशियां मेरे बेटे के साथ, और मेरी दुआएँ भी इसके साथ है मेरे हसन के लिए। और वो अपनी खुशी में मगन है, मैं सिर्फ इसकी खुशी के लिए इसकी बर्थडे कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया और समझदार हो चुका है। और ये अपने पापा जाने के साथ अपना लाड प्यार दिखा रहा है। और चले जी अब हम जाएंगे बेकरी पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा शहजादा रेडी हो चुका है, मेरा नन्ना मुन्ना सा हसन साहब बर्थडे बॉय, आज है इसकी बर्थडे। तो ये मेरे बेटे की लुक है, रेडी हो गया है, अब जाएगा ये बेकरी पर अपनी मनपसंद चीजें लेने। तो आप लोग भी देरो दुआएं मेरे बेटे के लिए लाजमी करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच चुके हैं गोरमे बेकरी पर। चले जी हसन साहब, हसन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। हुसैन मुझे पकड़ा दे। हाँ जी हसन साहब पसंद करें चॉकलेट वाला, पहले क्या क्या लेना ले ले आज। हुसैन को नीचे छोड़ा, हुसैन खुद ही घूम ही जा रहे। इधर से कैंडल ढूंढ, ये ऊपर पड़ी हुई है कैंडल, 5 वाली लेनी है कैंडल। हसन कह रहा है ये भी लेने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हसन साहब का केक आ चुका है 5 साल का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हो चुका है मेरा शहजादा। और अब बारी है केक काटने की, तो चले हसन साहब केक काटें आप। चले हसन साहब कैंडल को पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे डियर हसन। नाइल के साथ नहीं, ये ऐसे गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुन्ने का फेवरेट केक आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुसैन को भी खिलाएं। हुसैन खाता है कि नहीं खाता? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुन्ने का खाना भी फेवरेट आया है, और मुन्ने का केक भी इसकी पसंद का। ये हमारे साथ गया था, अपनी मन पसंद की ये चीजें लेकर आया है।
तो अब ये खाएगा केक, उसके बाद इसे खिलाऊंगी मैं खाना। बंटी खा रहा है, देखिए हसन के पापा ये कैसे खा रहा है, ऊपर ऊपर से बंटी खा रहा है, उन्होंने स्पेशल डाल के दी है इसे बंटी। हसन साहब अब आप खुश हैं, आपकी हो गई है बर्थडे, ठीक है। हाँ जी, हसन का खाना वगैरह सारा कुछ इसकी पसंद का आया है। अब मैं केक उठा लूंगी, ये खाना खाएगा, उसके बाद ये खाएगा केक। आज मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही हैं हसन के लिए, मैं तो दुआएं वैसे रोज ही करती हूँ, लेकिन आज खसूसी निकल रही हैं मेरे दिल से दुआएं, क्योंकि जब हसन पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यहाँ बेटा हुआ है, तो हम इतना खुश थे, हसन के बाबा जानी भी और मैं भी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे हम लोग। और अल्लाह ताला सबके बच्चों का नेक बनाए और कामयाब एक अच्छा इंसान बनाए। हुसैन भी इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, ये भी भाई की सेलिब्रेट में इतना खुश हो रहा है। हसन के पापा आप बताएं कुछ अब अपने बेटे के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे की सालगिरह हो गई है, हमारे लिए ये बहुत है, और दुआ करें कि हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, और हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ किया करें। चले हसन सी अब आप खाना खाए, मैं अपने बेटे का मनपसंद खाना लेके आए हैं, वो अभी मैं लेके आती अपने शहजादे को खिलाती। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना लग चुका है, हसन साहब अपने खाने की दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांग ली भाईजान को भूख लगी थी, भाईजान के आए हैं हसन के फेवरेट सारा कुछ ही, आज आलू मेथी भी इसकी फेवरेट है, ये मैंने घर में बनाई है। चले जी अब मैं खिलाती हूँ बच्चों खाना, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दीवार तो इतनी गंदी लग रही, ये हसन के काम है, ये जो स्कूल में देखते आता है वो ही ये घर आकर करता है, लिखता है ABC लिखता है, 1-2 लिखता है, इसलिए इसने दीवार एक दो दिन में ही गंदी कर दी मजीद। तो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करवाएंगे पेंट वगैरह। माशाल्लाह से हसन भरा हो गया, तो मैं इस तरह इसे बना देती हूँ नुवाले, तो ये माशाल्लाह खुद ही खा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हैंड से खुद ही खा रहे। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, और सबके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया है, हसन का भी खाना एंड हो रहा है, और भाईजान की लाइट तो नीचे गिर गई है, वो मैंने टेप से लगाई हुई थी इधर, तो बच्चों को अब सुलाने का टाइम हो गया है और ब्लॉग का एंड करने का टाइम हो गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें लाजमी बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, दुआओं में याद रखें मुझे और मेरे बच्चों को भी। तो हमने ये जिस मकसद के लिए अपना चैनल बनाया, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी अता करे, हमारे नेक नेक और अच्छे अच्छे मकसद हैं इस चैनल को बनाया, जो समझ के बनाया है, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे, आमीन सुमामी। और जो जो मेरे बहन भाई अपना नया कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे, तो जो बीमार अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलादे नुरीना दे, जो हस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी जो कोई भी मुश्किल परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किल परेशानियों को दूर करें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।